अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं और पृथ्वी पर वापस कैसे आते हैं। अंतरिक्ष में जाना और धरती पर सुरक्षित वापसी का अंतरिक्ष विज्ञान है। अंतरिक्ष यात्री इसी तरह का उपयोग करते हैं, जैसे कि यदि आप कार से मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं तो आपको सभी यातायात और सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा, वही अंतरिक्ष यात्रियों को फॉलो करना होगा। एक छोटी सी गलती अंतरिक्ष यात्रियों की जान के लिए खतरा बन सकती है। आइए कोलंबिया अंतरिक्ष यान की कहानी से इसे सीखते हैं। 16 जनवरी 2003 को नासा के अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष के लिए अपनी यात्रा शुरू की। इस अंतरिक्ष यान में कुल 7 लोग सवार थे। इन सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में बहुत सारे प्रयोग किए थे। 1 फरवरी 2003 को उन्होंने पृथ्वी पर लौटने के लिए यात्रा शुरू की। सभी अंतरिक्ष यात्री बहुत खुश थे। सब कुछ योजना के तहत चल रहा था। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही इसका कनेक्शन नासा से टूट गया था। नासा ने कुछ देर बाद बताया, कोलंबिया अंतरिक्ष यान धरती पर पहुंचने से पहले ही ब्लास्ट हो गया था। इस अंतरिक्ष यान में हमारी भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की टीम शामिल थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि यह अंतरिक्ष यान इस दुर्घटना तक पहुंच जाएगा। आज हम अंतरिक्ष में जाकर धरती पर वापस आने की इस विद्या को सरल शब्दों में सीखेंगे। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं? क्या आपने रॉकेट उड़ाकर दिवाली का आनंद लिया? ये तो आप भी जानते हैं कि रॉकेट ही वो यान है जो अंतरिक्ष में पहुंचाने में मदद करता है। दूसरा महत्वपूर्ण वाहन अंतरिक्ष यान है। यदि अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए बनाया गया है तो हम रॉकेट क्यों बनाते हैं? दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों का उपयोग अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए रॉकेट को अंतरिक्ष यान से जोड़ा जाता है। रॉकेट अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष यान तक पहुंचने में मदद करता है। सबसे पहले समझें कि रॉकेट काम कैसे करता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार बताया गया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, जब हम फुटबॉल को धरती पर फेंकते हैं तो वह स्वतः ही आकाश की ओर फेंकने लगती है। जिस गति से हम फुटबॉल को धरती पर फेंकते हैं उसी गति से वह स्वतः ही प्रतिक्रिया फेंकता है। रॉकेट गति के इस तीसरे नियम पर काम करता है। रॉकेट में आग लगाने के लिए ईंधन का उपयोग किया जाता है। आग से बहुत गर्म गैसें पैदा होती हैं। इसका प्रवाह पृथ्वी पर नीचे की ओर होता है और गैसें पृथ्वी की वायु के साथ प्रतिक्रिया करके इसे अंतरिक्ष में धकेल देती हैं। रॉकेट इंजन है। यह अपने पेलोड तक पहुंचने में मदद करता है। पेलोड में उपग्रह, वैज्ञानिक उपकरण और अंतरिक्ष यात्री हो सकते हैं। अब अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान वैसे ही चलाया जाता है जैसे पायलट हवाई जहाज चलाता है। लॉन्च पैड अंतरिक्ष में भेजने के लिए रॉकेट का स्टैंड है। अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो सफेद पोशाक पहनते हैं। इससे कम रोशनी में एक दूसरे को ढूंढने में मदद मिलती है। वापस आकर वे नारंगी रंग की पोशाक पहनते हैं ताकि पृथ्वी पर लोगों को आसानी से मिल सके। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस कैसे आते हैं? अब तमाम शोधों के बाद अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटने लगे हैं। जाने धरती पर वापस आने के लिए कौन से कदम उठाने होंगे। याद रखें, वे कभी भी एक ही रॉकेट के साथ पृथ्वी पर वापस नहीं आते हैं। अंतरिक्ष यान के साथ पृथ्वी पर वापसी के दौरान कोई रॉकेट नहीं है। अंतरिक्ष यान 17520 मील प्रति घंटा की गति से लौट रहा है। अब पृथ्वी में प्रवेश के बाद सबसे पहले यह अपनी गति कम करने के लिए पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू करता है। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसे गर्म और तेज हवा से संघर्ष करना पड़ता है। इसकी प्रतिक्रिया से अंतरिक्ष यान जल सकता है। इसे बचाने के लिए विमान को गर्मी प्रतिरोधी कपड़े से ढक दिया जाता है। धरती के करीब पहुंचने के बाद यह हवाई जहाज की तरह उड़ने लगता है और फिर उतरने की प्रक्रिया शुरू करता है। इसकी लैंडिंग हवाई जहाज की सड़क पर हवाई जहाज की लैंडिंग के समान है, लेकिन इसकी गति बहुत तेज होती है, इसलिए पैराशूट इसकी गति को कम करने और सुरक्षित लैंडिंग में मदद करता है। अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस आने के इन सभी कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।